स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने की पृष्ठभूमि में हर घर तिरंगा पहल 13 से 15 अगस्त तक लागू किया जाएगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर ने यहां अपील की कि सभी नागरिक और छात्र इस गतिविधि में सहज रूप से भाग लें और इसे उत्साहपूर्वक मनाएं ताकि हर घर पर तिरंगा फहराया जा सके। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में हर जगह हर घर तिरंगा पहल लागू की जा रही है। इस गतिविधि के अवसर पर काटोल रोड स्थित जिला परिषद के पूर्व शासकीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कुंभेजकर बोल रहे थे। इस अवसर पर नागपुर पंचायत समिति के समूह शिक्षा अधिकारी राजश्री घोर के प्रधान अध्यापिका सुजाता अगरकर खाड़े मेशराम सहित शिक्षक एवं छात्र उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। गणमान्य लोगों ने डेमोक्रेट अन्ना भाऊ साठे और लोकमान्य तिलक की छवि पर पुष्पांजलि अर्पित की। छात्राओं द्वारा स्वागत गीत और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के मद्देनजर लोगों के मन में स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति जलती रहे। स्वतंत्रता संग्राम के अज्ञात नायकों, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम में हुई विभिन्न घटनाओं को याद किया जाना चाहिए और इस गौरवशाली इतिहास को गर्व से मनाने के उद्देश्य से स्वतंत्रता की लौ जलती रहे और जनता के मन में देशभक्ति की भावना हमेशा बनी रहे। गतिविधि हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त तक की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। हर जिले, हर तालुका में हर घर पर तिरंगा फहराने के लिए सभी नागरिकों को इस गतिविधि में सहज रूप से भाग लेना चाहिए और ध्वज संहिता का सख्ती से पालन करना चाहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।